राहुल, जो फिल्म में जो लड़की है, जो लीड कैरेक्टर बच्ची जो निभा रही है, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि उसे मतलब कैसे सिलेक्ट किया आपने? बहुत ही ज़्यादा रोल से बहुत ज़्यादा करीब लगती हैं, पूरी तरह से ट्राइबल या जो भी आप कैरेक्टर में ढालना चाहते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं। 500 लड़कियों को हमने देखा सोशल वेलफेयर स्कूल्स में से, जो ज़्यादातर SC ST लड़कियाँ हैं, और 500 से शाहिद और मयंक ने 109 को शॉर्टलिस्ट किया था। 109 को देखने के बाद फिर भी वी वर नॉट सेटिस्फाइड। फाइनली वी चोज 110वीं लड़की अदिति इनामदार। वो ना ही ट्राइबल है, ना ही उन स्कूलों से है, हैदराबाद में पढ़ती है। और जब मैं ऑडिशन ले रहा था, मुझे लगा कि एक तो शी हैज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल एम्पथी, शी अंडरस्टैंड्स एंड शी ऑल्सो टेक्स डायरेक्शन वेल एंड शी कैन विथस्टैंड प्रेशर। फिल्म मेकिंग इज ओनली प्रेशर, टाइम प्रेशर, मनी प्रेशर, को स्टार्स फॉरगेटिंग देयर लाइंस प्रेशर, लाइट प्रेशर, चेंजिंग लोकेशन प्रेशर। शी कुड अब्सॉर्ब ऑल दैट प्रेशर एंड शी कुड एक्ट। तो मैंने बहुत दबाव उस पर डाला था ऑडिशन में, बहुत। एंड शी केम आउट एंड शी टुक द डायरेक्शन वेल। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ठीक है, अच्छी लगती है, यू नो, नाइस, एक्टिंग भी अच्छी है। लेकिन सिर्फ मैं एक शख्स था जो जिसने इस करीबी से अदिति के साथ ऑडिशन किया था, और उनकी जो आँखों में मैंने जो देखा था, आई सेड आई नो दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग ऑन फिल्म। नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, वेरी रियल, बट वॉट एन एक्ट्रेस। आई मीन, शी इज़ इन द ट्रेडिशन ऑफ शबाना एंड तबू एंड कोको, एंड शी इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्ट्रेस।